हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही सरल आसान तरीके से। फ्रंट नेक पे हमारा वर्क है, ये हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर हमारा फैब्रिक है और कटिंग में बहुत ईजी और सरल तरीके से मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे। हमें 38 साइज़ की ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो अस्तर को आपको लेना है। इस साइड से आपको ओपन करके सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। मैंने अदर वीडियो में भी बताया कि दोनों पार्ट एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस ब्लाउज की लंबाई हमने ले रखा है 15 इंच, टोटल हमें रेडी करना है 14 इंच का, तो हमने 15 इंच ब्लाउज की लंबाई ले रखी है। पोटली बटन नेक पे हमें ब्लाउज का डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। टोटल शोल्डर हमें लेना है 5.5 इंच का। बहुत ही सरल इजी कटिंग मैंने आपको वीडियो में बताती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करें आप। और इसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल भी 5.5 इंच का ले लेंगे और हमारा चेस्ट जितना है उसकी 1/4 ले लेना है। तो हमारा 38 का चेस्ट है, तो यहाँ पे 9.5 पे हम निशान लगा लेंगे। एल टाइप को आपको बना लेना है, यहाँ पे बॉक्स बना के यहाँ पे हम जो आर्म होल का तीरा होता है उसको हम रखेंगे 1 इंच का। ज़्यादा आपको लंबा तीरा नहीं रखना है, नहीं तो आर्म होल पर झोल आएगा। इसके बाद इसको राउंड शेप देते हुए ऐसे इसका शेप दे देना है। ये हमारा तीरा हो गया। इसके बाद नीचे की जो पेटी है वो हम ले लेंगे 8.5 इंच, टोटल हमें रेडी करना है 33 इंच का, तो 8.5 पे हम निशान लगा लेंगे। आप अपने कमर के हिसाब से नाप रख सकते हैं, चेस्ट के हिसाब से नाप रख सकते हैं, सेम ऐसी कटिंग होगा। इसके बाद कमर की और चेस्ट के नाप को मिला लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब गले का निशान लगाएंगे, तो गले के लिए हम लेंगे गले की चौड़ाई 2 इंच। हमें ज़्यादा डीप नेक गला नहीं बनाना है, तो हम ले लेंगे 10.5 इंच पे। यहाँ पे हम लेंगे नीचे साइड में 4 इंच। कम अगर छोटा सा बनाना है आपको तो 3 लें, ज़्यादा डीप बनाना है तो 4.5 ऐसे ले सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको हल्के से शेप देते हुए राउंड में घुमा लेना है इस टाइप से। ये हो गया हमारा पोटली बटन। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जहाँ से मैंने निशान लगाया हुआ है सेम ऐसे ही आपको इसकी कटिंग कर देनी है। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मार्जिन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है फिटिंग का, वहाँ पे हल्का सा टक्स का कटिंग करना है, तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अस्तर बचा हुआ है बैक वाले पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे का पार्ट, क्योंकि अगर फुट टक्स बनाना होता है तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। इस लाइनिंग को सीधा कर लेना है और इसके बाद जैसी शेप में है उस शेप में आपको कटिंग कर लेनी है। बैक नेक की गला भी हम बाद में कटिंग करेंगे। और ऐसे निशान देते हुए हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को आप चाहे तो हटा सकते हैं, उसके ऊपर रखते हुए भी कटिंग कर सकते हैं। तो अच्छे से आपको फिक्स कर लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो थोड़ा हमारा अस्तर यहाँ वहाँ हो रहा है, तो अच्छे से इसको फिक्स कर लेते हैं। और जैसे शेप में उसी शेप में हमें कटिंग कर ले ली है। वीडियो को यहीं स्किप कर नहीं जाइएगा, आगे मैं आपको टोटल बताऊंगी प्रिंसेस कट 1 टक्स में कैसे आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में ब्लाउज कैसे बनाएं। तो ये वाली मैंने कटिंग का वीडियो डाला हुआ है, स्टिचिंग का वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है यहाँ पे आपको कट लगाना है, जिससे पता चले कि हमारे सिलते वक्त हमारी सिलाई यहीं पे है। इसके बाद दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। बैक वाले पार्ट के गले की हम कटिंग कर लेंगे बाद में। और फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल का शेप देंगे, ऐसे हल्का सा 1/2 इंच राउंड करते हुए आपको शेप देना है। और वीने गला हम बनाएंगे, तो 2 इंच के गले की चौड़ाई रखेंगे, गले की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। 7 इंच के गले के निशान लगा के हम हल्का सा 5 शेप में देते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद हमें प्रिंसेस कट का टक्स का निशान, तो सबसे पहले आप मेन टक्स देना कभी ना भूले, जो बूस्ट पॉइंट का टक्स होता है, तो हम 10 इंच पे टक्स का निशान देंगे ऐसे।
और इसके बाद नीचे से 4 इंच आपको कपड़े से लेते हुए इस वाली टक्स का लेंथ भी रखना है 4 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा देते हुए यहाँ से आपको हल्के से इस शेप को ऐसे मिला लेना है। इसके बाद जहाँ से आपका आर्म होल का शेप है हल्के से इसकी गोलाई दे देनी है, ऐसे आपको प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब मैं आपको टोटल एक नेक्स्ट वीडियो में एक कट से इसी कपड़े पे एक कट से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे हम गले की कटिंग कर लेंगे, आर्म होल का जो शेप है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही कम समय में ये ब्लाउज हमारा बन के रेडी हो जाता है, मैक्सिमम बनाने में हमें 40 मिनट टाइम लगता है। और इस साइड भी हम टक्स का निशान लगा लेंगे सेम ऐसे ही। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों निशान लगा लेंगे। और मेन फैब्रिक पे आपको पता है कि मैं लास्ट में कटिंग करती हूँ, मैं अस्तर लगाने के बाद ही फैब्रिक कटिंग करती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, फैन की वजह से मत कपड़े उड़ रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट पे ही हमारा वर्क दे रखा है, इसी के ऊपर रखते हुए हमें इसकी सिलाई लगानी है। कस्टमर को ज़रा डीप नेक नहीं चाहिए था, चौड़ा गला नहीं चाहिए था, इसकी वजह से एक हमारा जो वर्क है वो पीछे साइड में आया है, लेकिन उससे भी खूबसूरत दिखेगा। ये हमारा बाजू हो गया, तो यहाँ पे बाजू में जो हमारा वर्क दे रखा है बहुत ही कम दे रखा है, तो इसके लिए हम 2 इंच चौड़ा पट्टी कटिंग कर लेंगे लेस की तरह, ऐसे आपको कटिंग कर लेना है। बाजू के ऊपर से आपको रख के इसकी स्टिच कर लगानी होगी। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वीडियो बनाते टाइम, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप। इसके बाद कपड़े को ऐसे लेना है, डबल फोल्ड करके आपको बाजू 12 इंच की बाजू निकाल लेनी है। तो कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 12 इंच का। टोटल हमें 13 इंच बंक के बाजू रेडी चाहिए, तो यहाँ पर हमने 12 इंच का निशान लगा लिया है। 3 इंच शोल्डर है, सिलने के बाद हमारा कपड़ा जाएगा। और यहाँ पे हमने चेस्ट का 1/4 ले लिया है, और इसके हाफ 3 इंच डाउन करके ऐसे शेप दे दिया है। और फिटिंग की सिलाई और चेस्ट का नाप देखें, हम इसकी कटिंग कर देंगे। यह हो गया हमारा बाजू, कट लगा के आपको बाजू का शेप दे देना है। तो 1/2 इंच ऐसे गहरा देते हुए हम बाजू का शेप दे देंगे जिससे हमारे बाजू पे झोल ना आए। ये हमारा बाजू रेडी हो गया, ऊपर से हम लेस का वर्क जो है वो लगा लेंगे, तो दोनों साइड का ये बाजू हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत लोग होता है कि बाजू लगाते टाइम बाजू का शेप देते हैं, तो ये गलत तरीका है, पहले आप शेप दे लीजिए उसके बाद ही बाजू लगाइए। तो दोनों साइड का जैसे कि आप देख रहे हैं बाजू हमारा आ गया है। अब रहा बैक पार्ट, तो ये कपड़े जो हमारा एक्स्ट्रा है इसके हम कटिंग करके निकाल लेंगे, जो हमारे लटकन वगैरह में यूज हो जाएंगे। और यहाँ पे हम बैक पार्ट अटैच करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों। ये हमारा हो गया बैक पार्ट पोटली बटन नेक का, और ये हो गया फ्रंट पार्ट। स्टिचिंग के टाइम हम इसकी कटिंग करते हैं, पहले हम कटिंग नहीं करते हैं। और ये हो गया हमारा बाजू। तो बहुत ही सरल और इजी तरीका मैंने आपको बताया है कटिंग करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको जितने साइज चेस्ट की कटिंग का चाहिए हमें वीडियो बता दीजिएगा, हम आपको वीडियो आपके कमेंट पे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।